हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारी फार्माकोलॉजी की सीरीज चली हुई है और ये जो एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, तो ये फार्मा का जो एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है उन सब के लिए। चलिए, पार्ट फोर हमने डिस्कस कर लिए थे, पार्ट फाइव है हमारा, जिसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी होने वाले हैं। लगभग आपके 35 क्वेश्चन हर लेक्चर में मैंने डाले हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ दीज ड्रग्स आर एंटी प्लेटलेट्स अगेंस्ट एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब वो सभी दवाइयाँ जो एंटी प्लेटलेट एजेंट को एक्सेप्ट करती है। तो इसमें आता है आपका क्लोपिडोग्रोल, ये दवाई होती है। नेक्स्ट आपका ड्रग विच इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ऐसी दवा जिसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन से, तो इसमें आता है आपका एस्कोर्बिक एसिड होता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड मैचुरेशन फैक्टर। तो ब्लड की अगर मैचुरेशन फैक्टर की बात करें, तो इसमें आपका विटामिन B12 आता है और आपका फोलिक एसिड आता है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज फिब्रिनोलाइटिक। तो इसमें आता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका, द विटामिन विच इज एसोसिएटेड विद ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन में कौन एसोसिएट होता है बच्चों? विटामिन के। नेक्स्ट आपका, फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट एरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट। तो इसमें आता है आपका मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट आपका, इंडिकेट द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटागोनिस्ट ऑफ हेपरिन। तो इसमें आता है आपका बच्चों प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू कोमरेन डेरिवेटिव। तो इसमें आता है आपका वारफेरिन ड्रग होती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इको एसेनोइड्स इज रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स एंड प्रोमोट्स देयर एग्रीगेशन। तो इसमें आता है आपका TXA2। नेक्स्ट है आपका, एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी। ठीक है, ओरल आयरन थेरेपी, इसमें आता है आपका कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में ओरल थेरेपी का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, पिक आउट द ड्रग बिलोंगिंग टू एंटीकोगुलेंट ऑफ डायरेक्ट एक्शन। तो इसमें एंटीकोगुलेंट का डायरेक्ट एक्शन देखिए, तो इसमें आपका आता है हेपरिन। नेक्स्ट है आपका, इंडिकेट्स द ड्रग बिलोंगिंग टू फिब्रिनोलाइटिक इनहिबिटर्स। तो इसमें आता है आपका अमाइनो कैप्रियोनिक एसिड। नेक्स्ट है आपका, इंट्रिंसिक फैक्टर आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच विटामिन। तो इसमें आता है आपका रिबोफ्लेविन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट्स ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंडरी थर्ड रिसेप्टर। तो इसमें आता है आपका बच्चों टाइक्लोपीडीन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया का मेन कारण क्या है? टू लिटिल आयरन इन द ब्लड। ठीक है, आयरन की मात्रा ब्लड के अंदर कम हो जाती है बच्चों। नेक्स्ट है आपके वन लाइनर क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का काम क्या होता है? ये इट हेल्प टिश्यू ग्रो एंड सेल वर्क। ठीक है बच्चों, फोलिक एसिड क्या करता है? जो आपके ऊतक होते हैं उनमें हेल्प करता है, उनको ग्रो करता है और सेल वर्क करता है। नेक्स्ट आपका, एरिथ्रोपोइटिन इज ए प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी। तो इसमें आता है आपका सियालो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन क्या प्रोड्यूस करता है? सियालो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आपका, सबस्टांस विच प्रोमोट्स कोगुलेशन आर नोन एज। तो इसमें आता है आपका कोगुलेंट। नेक्स्ट आपका, गिव एग्जाम्पल ऑफ कोगुलेंट। तो इसमें आता है आपका विटामिन के, फिब्रिनोजन, डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के का आपका ग्रीन लेफी होती है, वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, कैबेज, स्पिंच, लीवर, चीज। नेक्स्ट आपका, विच ड्रग रिड्यूस द कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड। तो इसमें आता है आपका एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट आपका, राइट एन एग्जांपल ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट। तो इसमें आता है आपका वारफेरिन सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबस्टांस विच ऑब्टेन फ्रॉम लीवर एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट्स इज नोन एज। ठीक है, तो ऐसे सबस्टांस जो लीवर से ऑब्टेन होता है, वो प्रिवेंट करता है ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, क्लोट के लिए, तो उसको बोलते हैं हेपरिन। हेपरिन होता है बच्चों।
नेक्स्ट है आपका हिपेरिन शो एंटीकोगुलेंट एक्शन मेनली बाय इनिबिशन ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर, तो इसमें आता है आपका क्लोटिंग फैक्टर 11। नेक्स्ट है आपका वारफेरिन कंपेटिवली इनिबिट्स विच एंजाइम एंड इंटरफेयर विद ब्लड क्लोटिंग, तो इसमें आता है आपका एंजाइम विटामिन के हिपोक्साइड रिडक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रग विच इंटरफेयर विद प्लेटलेट फंक्शन आर कोल्ड, तो इसमें आता है आपका एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है बच्चों, एंटी थ्रोम्बायोटिक ड्रग। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज इज एन एग्जाम्पल हो, तो इसका एग्जाम्पल कौन होता है आपका फिब्रिनोलाइटिक ड्रग। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ऑब्टेन फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, तो इसमें आता है आपका बीटा होम्योलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप सी। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच ड्रग एक्सपैंड इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम, तो इसमें आता है आपका बच्चों प्लाज्मा एक्सपेंडर। तो ये हमारे क्वेश्चन थे बच्चों, ठीक है, जो कि आपके लगभग 35 के अराउंड क्वेश्चन थे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली लेक्चर आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। मिलते हैं फिर बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपनी तैयारी अच्छे से करनी स्टार्ट कर दो बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर।